घर के अमेजिंग से लिविंग रूम में। एंड जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि लिविंग रूम में काफ़ी सारा स्पेस मिलने वाला है आपको। कलर्स बहुत ही सटल यूज़ किए गए हैं और इसी वॉल पे आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग के लिए स्पेस भी मिल जाता है। आप अपना स्प्लिट एसी वहाँ फिट करवा सकते हैं। फ्लोरिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा आपका डार्क कलर की टाइल्स लगी हुई हैं हाई ग्लॉस में, जो कि बहुत अच्छे से मैच हो रही हैं इस रूम में। एंड जैसा कि आपको बताया गया था, जो रूम होने वाला है, घर होने वाला है, फुली फर्निश्ड होने वाला है, तो आपको यहाँ पे एल शेप सोफा मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का है। कलर काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर है। दो पफीज हैं साथ में, सेंटर में टेबल है। एंड अगर सोफा सेट की बैक की बात करूँ तो ये चीज़ सच में लाजवाब है। इतनी अच्छी वॉल है, मिरर वर्क हो रखा है, कुशन वर्क हो रखा है और डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। मतलब इतना खूबसूरत डिज़ाइन वॉल्स के साथ, सोफा सेट के साथ अच्छे से मैच हो रहा है। एंड अगर यहाँ की सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग का डिज़ाइन आपका बहुत ही अमेजिंग है। अंदर गोल्डन कलर की स्ट्रिप लाइट्स लगी हुई हैं, कॉप लाइट्स भी लगी हुई हैं और सेंटर में बहुत ही अमेजिंग सी लैम्प लाइट्स लगी हुई हैं, जो शैंडेलियर का बहुत अच्छा काम कर रही हैं, रूम को कम्प्लीट कर रही हैं, बहुत अच्छी वाइब दे रही हैं रूम में। एंड ऑफकोर्स लिविंग रूम बिना LED पैनल के तो पूरा होता नहीं है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत ही अमेजिंग से डिज़ाइन का LED पैनल, जिसका डिज़ाइन वाकई में ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। स्पेस अच्छा खासा है, मायका बहुत अच्छी उसकी है। मतलब कलर कॉम्बिनेशन इस घर में आपको इतना परफेक्ट मिलने वाला है, जो बहुत ही अमेजिंग बात है। तो यहाँ का लिविंग रूम तो हमने देख लिया है, अब चलते हैं यहाँ के मॉड्यूलर किचन के। सो ये है इस घर का अमेजिंग सा मॉड्यूलर किचन। एंड यहाँ से आप अंदर एंटर कर जाते हैं तो आपको एंट्रेंस पर मिल जाती है ऊपर बहुत ही अमेजिंग से लैम्प लाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। एंट्रेंस को चार चांद लगा रही है। एंड यहाँ पे है आपका अमेजिंग सा मॉड्यूलर किचन। स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी सारा स्पेस है आपके पास। यहाँ पे कलर्स बहुत सारे यूज़ किए गए हैं, गेस्ट की स्पेस है, कैबिनेट बहुत सारे हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्लीक सी हिनवे की चिमनी मिल रही है, जिसमें आप अपने लाइट्स ऑन कर सकते हैं और स्लीक को एडजस्ट कर सकते हैं 1, 2 and 3 के नोट पे, मतलब फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। कटलरी के लिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स होने वाले हैं, काफ़ी सारे स्पेस होने वाला है कि आपकी कटलेरी बहुत ईजिली आ जाएगी। स्पून, कप, प्लेट्स एंड एवरीथिंग। आपको इवन की किचन में विंडो भी मिल जाती है, क्रॉस वेंटिलेशन ईजिली हो जाए। यहाँ पे बेसिन बना के दे दिया है। सिंक में आपका टैपिंग वर्क लेफ्ट है, बट डोंट वरी, जब आप घर खरीदेंगे तो आपको सब कुछ किया हुआ मिल जाएगा। गाइस ये था इस घर का अमेजिंग सा मॉड्यूलर किचन। अब एक बार लुक ले लेते हैं यहाँ के कॉमन वॉशरूम। सो गाइस ये है इस घर का अमेजिंग सा कॉमन वॉशरूम। एंड आपका जो सैनिटरी वर्क है वॉशरूम में, वो भी लेफ्ट है, बट डोंट वरी, जब आप लोग घर खरीदेंगे तो आपको सब कुछ लगा हुआ मिलेगा। बट आई स्टिल थॉट कि आपको एक बार वॉशरूम का लुक दिखाना चाहिए। द कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है। व्हाइट एंड ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई हैं हाई ग्लॉस में, जो कि बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर रही हैं। स्पेस भी अच्छा खाता है आपको वॉशरूम में, लाइटिंग भी परफेक्ट है। बस एक बार सैनिटरी वर्क हो जाए तो आपका वॉशरूम हो जाएगा कम्प्लीट। तो गाइस ये था इस घर का अमेजिंग सा कॉमन वॉशरूम। अब चलते हैं यहाँ के मास्टर बेडरूम की तरफ। सो गाइस ये है इस घर का आपका मास्टर बेडरूम, जो कि बहुत अमेजिंग है। काफ़ी सारा स्पेस है, बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं यहाँ पे, बिकॉज जो हमने कलर यूज़ किया है वॉल्स पे वो बहुत प्यारा सा है। और आपको यहाँ पे इस रूम में बहुत अमेजिंग सा वॉलपेपर लगा हुआ मिल जाता है, जो कि थोड़ा डार्क कलर का है, वाइट वॉल्स के साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, प्रिंट बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा 3D लुक दे रहा है। ऊपर आपकी 3D की फिटिंग मिल जाती है, आप अपनी स्प्लिट एसी वहाँ फिट करवा सकते हैं। ये इसमें आपका छोड़ रखा है कि आपका बेड लगा दें हम। एंड जैसे कि मैंने बताया था, घर फुली फर्निश्ड होने वाला है, बट आपको वहाँ से बेडरूम में अपना बेड लगाना पड़ेगा। जो आपका सेकंड बेडरूम होने वाला है वहाँ पर आपको बेड लगा हुआ मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको बेड के दोनों साइड में बहुत अच्छा वुडवर्क करके दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी लैम्प लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंटीक सा पीस लग रहा है। दोनों साइड सॉकेट भी हैं ताकि अपना फ़ोन भी चार्ज कर सके। ड्रॉज है आपको दोनों साइड में, ताकि आपका जरूरत का सामान रख सकें। एंड आपको यहाँ पर इस रूम में शाफ्ट भी मिल जाती है कि आपके क्रॉस वेंटिलेशन इजीली हो जाए। एंड ऑफ कोर्स गाइस आपका मास्टर बेडरूम है तो अटैच वॉशरूम के बिना तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। बट स्टिल जैसे कि आपको बताया कि सैनिटरी वर्क लेफ्ट है, बट फिर भी आप लोग एक बार कलर कॉम्बिनेशन का लुक देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वॉशिंग की कलर कॉम्बिनेशन रहने वाली है, वो कॉमन वॉशिंग जैसे ही रहने वाली है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की थीम होगी और ऑलमोस्ट आपका स्पेस भी सेम है, काफ़ी अच्छा है। बस सैनिटरी वर्क हो जाए तो आपका वॉशरूम भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस ये था इस घर का मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। अब चलते हैं यहाँ के सेकंड बेडरूम की तरफ। तो गाइस ये है आपका सेकंड एंड लास्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस, जो कि फर्स्ट बेडरूम जैसा ही काफ़ी अमेजिंग है। एंड फाइनली आपको इस बेडरूम में मिल जाता है डबल साइज बेड, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि जो घर आपका रहने वाला है फुली फर्निश्ड रहने वाला है। तो यहाँ के डबल साइज बेड की बात करूँ तो बहुत यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा कलर है और बेड की बैक तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आपको काफ़ी अच्छा कुशन वर्क मिल रहा है, बीच में मिरर स्ट्रिप्स भी लगी हुई हैं, जो कि बहुत अच्छा
डेकोरेट कर रहे हैं। और आपको बेड के दोनों साइड में अलमीरा टाइप भी मिल जाती है, तो अलमीरा टाइप कवर्ड जिसमें आपका काफ़ी सारा स्पेस रहने वाला है कि आप अपना ज़रूरत का सामान कपड़े वगैरह बहुत ईजिली रख लेंगे। नीचे आपको उसमें कैबिनेट भी मिलेगा बड़ा कि आप अपना उसमें और ज़्यादा ज़रूरत का सामान रख लें। एंड आपको इस रूम की खासियत ये है कि इस रूम में आपको मिल जाती है यहाँ पे बहुत अच्छी सी खूबसूरत का एलईडी पैनल जिसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे प्रिंट की माइका यूज़ की गई है, डिज़ाइन बहुत अमेजिंग है, काफ़ी सारा स्पेस है, डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं। इवन इस रूम में आपको विंडो भी मिल रही है और ऊपर विंडो इसकी फिटिंग मिल रही है, आप विंडो ए सी वहाँ फिट करवा सकते हैं। एंड ऑफकोर्स यहाँ से आपकी बालकनी आ जाएगी इस रूम की, तो एक बार बालकनी का भी लुक ले लेते हैं गाइज। अगर बालकनी की बात करूँ तो एक 60 स्क्वायर यार्ड्स के हाउस के अकॉर्डिंग ये बालकनी आपकी एकदम परफेक्ट है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, बहुत अमेजिंग बालकनी है, ऊपर एक लैम्प लाइट भी लगी हुई है। ऑफकोर्स शाम का टाइम है तो थोड़ा डल आपको अंधेरा लग रहा होगा, बट दिन में यहाँ पे आपको अच्छी धूप एंड फ्रेश एयर बहुत अच्छे से मिलने वाली है। तो गाइस ये था इस घर का सेकेंड एंड लास्ट बेडरूम विद अटैच्ड बालकनी, एंड यहाँ होता है हमारा होम टूर खत्म। तो गाइस आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा। ये था आज का हमारा 60 स्क्वायर यार्ड्स का 2 BHK घर जो कि बहुत शानदार था, सबसे अच्छी बात फुली फर्निश्ड था, बहुत अमेजिंग था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, इंटीरियर बहुत अच्छा है, यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ध्यान में रख के बनाया गया है कि एकदम परफेक्ट बने। लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन आपकी रहेगी रामा पार्क की। घर की फैसिलिटीज के बारे में बताऊँ तो फैसिलिटी में आपको यहाँ पे लिफ्ट मिल जाती है, कार पार्किंग का स्पेस मिल जाता है, LIC से आपको मैक्सिमम लोन भी हो जाएगा, और घर बहुत अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बजट फ्रेंडली है, एक फैमिली के लिए परफेक्टली फिट घर है। तो अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके ये घर बुक करवा सकते हैं। बुकिंग अमाउंट तुम्हारा रहेगा 21,000 रुपये देके घर आप अपना बुक करवा सकते हैं। एंड अगर खुद आकर देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम गाइस, आप आइए, हम आपको इस घर के विजिट के लेकर जाएंगे ताकि आप अपना खुद घर देख सकें और बेहतर समझ सकें, बिकॉज घर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान लाइफ में एक बार खरीदता है, तो यू शुड मेक एन इन्वेस्टमेंट दैट विल बी वर्थ। तो तब तक के लिए बने रहना मजेस्टिक होम से, साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड डू कमेंट गाइस, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आपको फिर से मिलूंगी एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।